है ये कि 27 मार्च को अचानक जो है अधिवक्ता श्री सुरेंद्र पटेल जी यहाँ मड़ुआ डी से गायब होते हैं और एक मैसेज अपने परिवार वालों को ऊपर छोड़ जाते हैं कि गेट नंबर 4 पर माने मुझे खतरा है, इस तरीके का मैसेज छोड़ करके चले जाते हैं। उस पर जो है घर वाले परेशान होते हैं और अंतोगत्वा जो है FIR रजिस्टर्ड की जाती है अपहरण केस में, और चूँकि अधिवक्ता थे इसलिए जो है और भी संजीदगी के साथ जो है पूरी टीम, हमारी सर्विलांस टीम, FOG टीम और स्थानीय थाने की टीम, पूरी टीम, हमारे DCP साहब जो टेक्निकल हेड रहे, एकदम पूरा का पूरा जुट गए। और किसी तरीके से पहले तो कुछ मिल रहे, क्योंकि पुराने जितने भी नंबर थे सब बंद कर लिए गए थे, तो बीच में कहीं एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा था जो उसकी सूचना पे जब वो कराया गया तब जा करके इनका लोकेशन ट्रैप हुआ। सबसे बड़ी बात कि इस बीच में 15-20 दिन हो गए लगभग, घर वालों से भी इन्होंने कोई संपर्क नहीं रखा और बराबर जो है हम लोग बार एसोसिएशन पे वार्ता चलती रही और बार के जितने भी अधिवक्ता हैं हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन लोग उन्होंने बहुत ही जो है हम लोगों के साथ जो है साथ दिया और सहयोग प्रदान किया हर तरीके से। और इस तरीके से हमारी टीम सक्सेसफुल जो है कल इलाहाबाद से जो है इन्हें सुरेंद्र पटेल जी को जो है बरामद करके लाई है। किन बैंकों से इन्होंने लोन लिया था या क्या चीज़? अब बैंकें तो कई हैं, बैंकें तो 7-8 हैं। जैसे कुछ इंस्टेंट लोन वगैरह लिया था जो क्या इस तरह? हाँ, लोनिंग लेते थे, पहले तो लोनिंग लेते थे आपस में ही, एकदम घर का जो है एकदम ट्रांसफ़र, उससे पैसे कुछ अर्जित करते थे 5,000 ट्रांसफ़र करके। तो बीच में जो है कुछ लोनिंग इन्होंने जो है शेयर मार्केट वगैरह में लगाई जिसमें लॉस हुआ, वो चीज़ें। तो किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता था या लोन अधिकारियों द्वारा? नहीं, अब ये तो विवेचना का विषय है, निश्चित है जिस बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक वाला तो वसूली के लिए फ़ोन करेगा ही, इसीलिए जो है अपने पुराने सारे फ़ोन इन्होंने बंद कर लिए थे कि किसी से कोई संपर्क ना हो पाए उन पाए। कितना ये अधिवक्ता थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे और सारे लोग इनके लिए परेशान थे, चाहे बाहर चाहे पुलिस प्रशासन का। तो क्या लगता है कि गुमराह करने और पुलिस प्रशासन को परेशान करने में इनके? देखिए, बीच में कई चीज़ें हैं, अभी तो उसकी विधि करा ली जाएगी और जांच चल रही है। दूसरी चीज़ हम इनके घर वालों को अभी भी कहेंगे, क्योंकि पहले भी ये भाग चुके हैं, तो सबसे पहले तो इनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। आदमी किस हालात में है, कैसे डिप्रेशन में जाता है या मानसिक स्थिति उसकी क्या है, तो घर वालों से मेरा हम यही अनुरोध करेंगे कि सबसे पहले तो इनकी जो है काउंसलिंग कराई जाए और एक अच्छे मानसिक चिकित्सक से जो है इलाज भी करवाया जाए। अगर दूसरी बार भागे हैं? हाँ, ये दूसरी बार। कितना लोन लिए थे ये? अब ये एग्जैक्ट नहीं बता, बातचीत में कुछ पता चला कितना लोन? इन्होंने 4.5 लाख के बीच में। सर, जब बाहर वहाँ थे तो कोई मदद भी कर रहा था इनकी? नहीं, अभी तक नहीं है। किसी 7-8 हज़ार रुपये खुद इनके पास थे जो ले करके गए थे, वही सब खर्च कर। देखिए, इतना बड़ा केस वर्कआउट होने पर हमारी सर्विलांस टीम, FOG टीम और थाना मड़ुआडी की फल टीम, और जिसका नेतृत्व जो है हमारे DCP साहब T. Sarvanan साहब कर रहे थे, कमिश्नर महोदय द्वारा जो है पूरी टीम को 1 लाख रुपए का जो है पुरस्कार दिया गया है। लग रहा है बहुत बड़ी पुरस्कार की राशि भी है। हाँ, बड़ा काम नहीं, बड़ा काम भी है, बड़ी पुरस्कार की राशि भी है। मैं मुरलीधर सिंह, एडवोकेट, अध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस वाराणसी। ये एडवोकेट महोदय भागने की क्या वजह है, आज वर्कआउट हुआ क्या? जैसा अभी DCP साहब ने बताया
इनके भागने की वजह थी कि ये लोन ले लिए थे, लोन लेकर के खर्च कर दिए थे, उसको जमा नहीं कर पा रहे थे और उसके वजह से दबाव में या घर छोड़ करके भाग गए। क्या वजह था इनके घर छोड़ भागना? कहीं पैसा जुगा हुआ करते थे या करते वाली? पता यह भी चला है कि ये गेम खेलते थे और गेम में पैसे लगाते थे। और यह बड़ी विचित्र सी बात है कि एक अधिवक्ता होकर के ऐसे फन में ये फंसे थे, इस पर हम लोगों को भी अफसोस है। कई बातें चल रही थी, शादियाँ हो चुकी हैं, जब मरीज है क्या है? वो इनका घरेलू मामला है, जैसा पता चूंकि हम लोग बराबर पुलिस के और इनके परिवार के संपर्क में रहे हैं। इनकी पहली शादी टूट चुकी थी और डाइवोर्स शायद हो गया था और उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी की पत्नी भी इनसे अलग रह रही हैं। वजह क्या है कि जुआ या गलत काम? अब ये तो ये बता सकते हैं, लेकिन जो निकल करके आया सामने ये ऐसा ही लगता है कि इनको घर वाले जब आपका सहयोग कर रहे थे तो आप लोग को बताया गया था कि लोन लिए थे, घर वाले ने इस तरह का कुछ बताया था आप लोग? घर वालों ने यह तो नहीं बताया कि लोन लिए थे, लेकिन घर वाले पुलिस का भी सहयोग कर रहे थे और पुलिस की कार्यवाही पर, कार्यशैली पर ये लोग संतोष भी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि पुलिस इनके भाई राजेंद्र जी जो यहाँ इस समय हैं, इनको लेकर के बराबर 6-7 दिन एक एक जगह CCTV फुटेज ये सारा चीज़ देखना दिखाना, तो इस वजह से हम लोग भी पुलिस के प्रति और पुलिस की कार्यशैली के प्रति आश्वस्त थे और इसीलिए हम लोगों ने लगातार हड़ताल नहीं किया। आप लोग मुख्यमंत्री के पास गए थे जब ये इनका अपहरण का एक मामला लेकर के, लेकिन जब अब केस खुल चुका है और ये समझ में आ गया कि ये अपहरण नहीं है, ये खुद से गए तो इस तरह से इन्होंने धोखा दिया, तो बार का अगला कदम इनके खिलाफ अब क्या होगा? मैं साधुवाद देता हूं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि मेरे एक बार कहने पर उन्होंने इसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उन्होंने कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर को उन्होंने इस पर हिदायत दी और पुलिस कमिश्नर वाराणसी की पूरी टीम ने जिस मनोयोग और जिस भाव से और जिस तत्परता से इस काम में लगे रहे, इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं और इसकी सराहना करते हैं। हम बार एसोसिएशन इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।